Radio Tracks. बारिश में तो बस चूटी करने का मन करता है, और बारिश में आज देखता हूँ मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, क्या क्या करता हूँ, कौन कौन से छोड़ लेता हूँ। और चलते रहिए आप भी हमारे साथ। ये है पुराना तिराया। लेकिन जिस दिन बारिश ही होती है ना, हल्की हल्की बूंदा बांदी, मेरा उसी दिन मन करता है कि बस आज ही करूँगा। उस दिन ब्लॉग करने का दिल करता है, बाकी मेरा बिल्कुल नहीं दिल करता, बिल्कुल भी दिल नहीं करता। भले ही ठंड में बारिश हो रही हो, लेकिन बारिश का मज़ा ही कुछ और होता है, अलग ही मज़ा आता है बारिश का भी, बिल्कुल अलग। बुरी मामा खतौली का, अगर तुम्हें कोई सा भी हिस्सा देखना हो, कोई सा भी मतलब चौक या चौराहा या जिसके बारे में भी देखना हो, कोई सी कॉलोनी जैसे इस्लाम नगर, आलू मिल वगैरह, सराफान, अगर किसी को चाहिए व्लॉग तो बोल देना वहाँ का व्लॉग के लिए, मैं वहाँ की थोड़ा कैप्चर कर लूँगा, सिनेमैटिक में अपने तरीके से दिखा दूँगा। कहीं नहीं, हल्की सी बारिश होती है ना, यहाँ तो पानी भर जाता है सभी जगह पे। खतौली में तो आर्थिक विकास अच्छा नहीं है खतौली का, थोड़ा इसमें ना पानी वगैरह की व्यवस्था अच्छी नहीं कर रखी, यहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ का खतौली का चर्च, मैं एक हाथ से ही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आज हेलमेट पे नहीं लगाया, एक हाथ से अच्छा दिखेगा, उसमें अच्छा नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं अच्छा दिखता। तो बेस्ट और बेटर मुझे यही लगा कि अपने हाथों से ब्लॉग करूँ, इससे थोड़ा साफ तो दिखेगा सामने का, उसमें लगा लेता हूँ तो पता नहीं चलता कि कैसे मैं कर रहा हूँ कैसे नहीं कर रहा। तेरे पैर सुनो क्या, जूते बड़े जूते डाल ले इसमें, हाँ वैसे बड़े बैग में। अगर एक गंग नहर पर, गंग नहर GANG गंग नहर, और हम करेंगे चीतल में शूट। फिलहाल ऐसी जगहों पर ही शूट करने में मन लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अलग ही फीलिंग आती है, सैड सैड फिर लगता है कि हाँ आज है फ़ायदा यहाँ शूट करने में। एक सैडनेस अलग ही फील होती है यहाँ की, बस ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, यहीं पे शूट करेंगे। आज तो इतने यहाँ बंदर भी नहीं है, ना ही कुछ इतना डर है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ बंदर बहुत रहते हैं, बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं। पता नहीं अभी किसके अंडर में है किसके नहीं है, इसको खुलवा दिया जाए ना तो ही बेटर है, बिना खुले तो देखो यार ऐसे ही पड़ा है। अगर ये खुल जाए ना, एक पार्क सा बन जाए, तो मेरे हिसाब से इसको खोल देना चाहिए ताकि एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, वॉकिंग वगैरह करने के लिए यहाँ पर आ सकें। इतनी अच्छी जगह है, इतनी अच्छी जगह है, फिर भी ना इस पर कुछ बना रहे, ना ही कुछ यहाँ कर रहे। जगह ना बहुत, मतलब बारिश में ऐसी जगह ऐसी अलग ही लगती है, बहुत बढ़िया वाली लगती है। पानी की बूंदें गिर रही है और कुछ नहीं आवाज़ आ रही किसी की, जंगल जंगल सा, मतलब बढ़िया, बहुत ही अच्छी लगती है जगह ये। और बारिश में तो मेरा ऐसी जगह आने का दिल करता है। ये देखो है कुछ हमारे है यार, शूट करने की जगह काफ़ी अच्छी अच्छी हैं, और जब सस्ते में काम चलाना हो ना, सस्ते में, और बाहर जाने का बिगोत ना हो, तो फिर ऐसी जगह पर आ जाओ और कर लो शूट। हरा भरा जंगल रहता है, खूब शूट करो, खूब टेंशन फ्री हो गया, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं इधर शूट करने के लिए।
अब है इस जगह पर, ये इधर इधर पार्क है साइड में, तो नन्नू कर रहा है शूट पीछे के साइड से, और जो इस जगह का है एक सोर्स यहाँ का लेंगे। तो यहाँ का सोर्स अभी व्लॉग में आधा शूट कर रहा हूँ, आधा नहीं, क्योंकि यहाँ से जल्दी निकलना हमें, ज़्यादा देर रुकना नहीं है। ओके, तो यहाँ का शूट हो गया ख़त्म। बहुत अच्छी लगती है यार ऐसी लोकेशन, मुझे तो लगती है बहुत अच्छी लगती है मुझे तो ऐसी लोकेशन, मैं तो चाहता हूँ ऐसी लोकेशनों पर शूट करूँ। आप भी शूट करेगा ये देखें, वीरान जंगल निकल गई है, धूप जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो गया। हम तो सोच रहे थे बारिश रहने की थोड़ी बहुत, लेकिन बारिश तो बग गई, अब धूप धूप रह गई। ये क्या मौसम हो रहा है यार, लेकिन बारिश होनी चाहिए थी इसमें भी। घर बैठे बैठे नज़ारों को मजे लीजिए। सैटरडे को निकलते हुए एक मेरी जो फेवरेट है, उसी टंकी पे जाएंगे जिस टंकी पे हम पहले घूमते थे। मेरा एक पहला चैनल है जो मेरा बंद हो गया, उस पर वो वीडियो पड़ी है, तो हम टंकी के अंदर घूम रहे थे। अब तो शायद वो टंकी चल चुकी है, वो तो जाके पता चलेगा क्या चली या नहीं चली। अभी फ़िलहाल हम सैटरडे की तरफ को जाएंगे, सैटरडे से होते हुए उस टंकी पर। और ये पुल तो अब हो गया ख़राब, अब दूसरे का काम चल रहा है यहाँ पर। आगे हैं सटेडी में एंटर कर चुके हैं, इधर देख सकते हो मेरा कॉलेज जिसमें मैं पहले पढ़ता था। अब तो पता नहीं काफ़ी टाइम हो गया मैं यहाँ पे अंदर आया ही नहीं स्कूल के, एक बार निकलने के बाद मैं फिर नहीं गया। इस स्कूल से ऐसी नफरत हुई थी मुझे, ऐसी नफरत हुई थी, बहुत ज़्यादा नफरत हुई थी। मेरी लाइफ ना पूरी ख़राब कर दी थी इस स्कूल ने, स्कूल ने क्या, स्कूल के कुछ टीचरों ने, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो उन्हें पता चलेगा कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, और उनको पता चल चुका है जिसने जैसा किया वो वैसा भरता भी है। बस ज़्यादा क्या ही बोलूँ उनके बारे में, अब तो मैं निकल चुका हूँ, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया था, अब उनको उनके साथ अच्छा भी नहीं हो रहा होगा। सटेडी कर चुके हैं हम पार, और सटेडी के जस्ट थोड़ा गाँव को निकलते ही, सटेडी से थोड़ा गाँव से निकलते ही सामने आती है हमारी बचपन की कुछ यादें। वो रही, आप देख पा रहे होंगे हमारी बचपन की याद, और कुछ यादें अपनी अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करती हैं जाकर, शायद चल गई रेखा है पता नहीं। ये तो मुझे लग रहा है शायद चल चुकी है, अभी सब बंद कर रखी है इधर से। आए थे यहाँ पर याद ताजी करने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बेचारी बंद हो चुकी है, मतलब रास्ता इसका बंद कर दिया, चल तो रही है। अब इसमें पानी भर दिया है, पहले इसमें पानी नहीं भरा था, लेकिन अब भर दिया पानी इसके अंदर। ये देख सकते हो ये तो बंद कर दिया है, लेकिन आई मिस यू टंकी, भले हम आज तेरे ऊपर का नज़ारा नहीं ले पाए, कोई नहीं, ऐसे मौसम में सोच रहा था थोड़ा सा ऊपर का नज़ारा अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो आके ना मैं क्या करता था, पराठे वगैरह ले आता था, और 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास तो मैंने पूरी इन जगहों पे ही बिताई, ज़्यादातर हम यहीं आ जाते थे, अपना खाना लेके ऊपर चले जाते थे, इस घर से लाते थे खाना, और हलवाई वगैरह से भी कुछ ले लेते थे, यहीं पर बैठ के पूरा टाइम पास करते थे, यहीं पे रहते थे, जैसे छुट्टी होती थी अपना निकल जाते थे घर पे। टंकी तो मिली नहीं, खैर इन रास्तों का मज़ा लेते हुए अब वापस जा रहे हैं अपने घर के साइड। अच्छे अच्छे नज़ारों का मज़ा लीजिए आप।